जोधपुर राजस्थान द सन सिटी ऑफ इंडिया. आर्स इज ए टिपिकल मारवाड़ी टेक्नो बिजनेस फैमिली. हमारा एक जॉइंट परिवार है, हम 27 लोग एक छत के नीचे रहते हैं. एल्डेस्ट वन माई ग्रांड मदर जो कभी स्कूल भी नहीं गई, और यंगेस्ट इज माई यंगर ब्रदर्स डॉटर. सो आप देख सकते हैं पूरा स्पैन ऑफ कल्चर हमारे परिवार में. टू थ्री इयर्स बैक इन द आदि स्कूल दे हैड एसेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. वी गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू अपियर फॉर दैट एग्जामिनेशन. आदि यूजुअली वेरी फॉरवर्ड फॉर टेकिंग द साइंस रिलेटेड स्टफ एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड स्टफ. तो ऐसे टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में ही इन द फर्स्ट अटैम्प्ट ही केम इन द टॉप 50 इन इंडिया. और उसी समय हमारे को मेल आया कि देर वुड बी अ समर प्रोग्राम. सो वी वर वेरी क्यूरियस टू सेंड हिम. उसके बाद में लेकिन कोविड हिट हुआ, सो वी कुड नॉट सेंड इट. एंड यूजअली आदि इज नॉट सो क्यूरियस टू गो आउटसाइड, बट फॉर समर प्रोग्राम ही वॉज लाइक सिंस लास्ट टू थ्री मंथ सो एक्साइटेड कि मुझे तो जाना ही जाना है. लिटिल बिट वरीड कि वो कैसे रहेगा, किस तरह से मैनेज करेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज डिपेंडेंट ऑन अस. माई ग्रांड मदर बहुत टेंशन थी उनको तो, ओके इतने छोटे बच्चे को क्यों भेज रहा है. लाइक वी हैव मेरे जनरेशन में जो भी हमारे परिवार में वी हैव ऑल स्टडीड अब्रॉड. मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हूँ, मेरे दोनों ब्रदर US में पढ़े. तो मैंने बोला कि हम सभी तो गए कि तुम लोग इतने बड़े होके गए हो, भी 25 साल के होके गए हो, 13 साल का है. द प्रोग्राम इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी. सो यस, इट वॉज वेरी वेरी नाइस कोर्स एंड यू वेरी इज डिजाइन फॉर द चिल्ड्रन हु आर वेरी एंथुजियास्टिक एंड वेरी क्यूरियस ऑफ नेचर. सो आई थिंक ही लव्ड दैट. Personally, I thought Adi would never have any issue with academics because he has a natural talent for academics. But this program gives him to explore areas other than academics. जैसे कि डांस नाइट हुआ या इवनिंग अड्डा हुआ या टीम में काम करने का, और जैसे बाइसिकल में टीम में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला. तो अकेडमिक्स के अलावा जो चीज़ें जैन बाइस ने समर प्रोग्राम में इंटीग्रेट किए, I think that is the main cream of the program. All the students that are coming here are already very good at academics. Academics तो वो उनका natural talent है, वो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं. पर academics के बाद दूसरी चीज़ें जो उन्होंने यहाँ सीखी है, जो confidence उन्होंने, उनका क्या parents का कितना confidence boost up हुआ है कि our child at the age of 13 years he has been able to live on his own for 3 weeks. घर पे तो खाना भी चम्मच से मुंह में आता है, यहाँ पे तो सब कुछ अपने आप करना है. दे हैव टू मैनेज देयर लगेज, दे हैव टू मैनेज देयर क्लोज, दे हैव टू नेगोशिएट. अब आदि से बात हुई भी रूममेट कैसा है तुम्हारा, कुछ आपस में झगड़ा इशू तो नहीं होता है. तो ही सेड अ ब्रिलियंट थिंग. ही सेड कि नहीं, वी डोंट हैव फाइट्स, वी हैव आर्ग्यूमेंट्स बट वी सेटल. मैंने बोला गिव मी एन एग्जाम्पल, कैसे सेटल करते हो कि भाई मॉर्निंग में बाथरूम पहले कौन यूज़ करेगा, कौन रोज़ रोज लड़ाई करे. तो दे मेड अप के फर्स्ट वन डे यू विल यूज द बाथरूम फर्स्ट, अदर डे द अदर पर्सन विल यूज. सेटल ही लर्न ए नेगोशिएशन स्किल, शायद घर में कभी नहीं सीखने वाला था ये चीज़ें. सो दीज थिंग्स रियली रियली एनलार्जेस देयर माइंड सेट, देयर व्यू ऑफ द वर्ल्ड. और दूसरा जो ब्रिलियंट है कि ही यूज टू ही गेट्स अ चांस टू इंटरेक्ट विद पीपल ऑफ हिज होन माइंड लेंथ, वेव लेंथ जो बोलते हैं ना. कि व्हेन यू गो टू ए नॉर्मल क्लास इन स्कूल, सारे बच्चे, सब तरह के बच्चे आते हैं. कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं. और स्कूल जब उसे टीच करती है तो जस्ट दे हैव टू बी ए नॉर्मल जनरल लेवल पे बात कर सकते हैं, वो बहुत हाई लेवल भी बात नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पे दे कैन गो बियॉन्ड द कोर्स. एंड एक छोटा सा और बात बताता हूँ, लाइक व्हेन ही वाज हियर एंड आई वाज विद माय फ्रेंड्स एंड वी वर जस्ट हैविंग अ चैट एंड आदि कॉल्ड, आई वाज आउटसाइड. तो मैंने बताया उनको भाई ही हैज गॉन टू द समर प्रोग्राम. सो आई आल्सो
put Adi on speaker and I told them कोई अंकल से बात करो वगैरह एंड आदि वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. तो जैसे फ़ोन का यार बोले कि यार आवाज़ में ही लग रहा है कि उसमें बहुत चेंज आ गया. आदि यूज टू बी अ लिटिल बिट रिजर्व्ड चाइल्ड कि भाई सोशल इंटरेक्शन में आई थिंक जो इस लेवल के प्रोग्राम आते हैं नॉर्मली सोशल इंटरेक्शन में तो चाइल्ड्स आर लिटिल बिट रिजर्व्ड. अगर साइंस वगैरह की बात करेंगे तो चार घंटे बात कर लेंगे लेकिन इधर उधर की बात करेंगे तो शायद इतनी बात नहीं करते ये लोग. बट वो तो फ़ोन रखते बोला कि आई ऑलरेडी लिसन द चेंज इन हिज वॉइस ऑन द फोन सो दैट्स अगेन इज अ गुड थिंग फॉर अस. नहीं फूड वॉज रियली ग्रेट. उसने बोला कि एवरी टाइम ही फाइंड समथिंग ऑफ हिज चॉइस एवरी टाइम. तीनों टाइम में उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाता था दैट ही लाइक्स. वी हैव टू गिव द अपॉर्चुनिटी लाइक एज ए पेरेंट्स आवर ओनली मेन मोटो इज टू गिव द अपॉर्चुनिटी. वी डोंट हैव टू गिव द डायरेक्शन. हम इस एज में बच्चों को जितनी ज़्यादा जितने डिफरेंट आयाम में अपॉर्चुनिटी देंगे दे विल बी एबल टू डिस्कवर व्हाट दे लव. वो जितने ज़्यादा कहते हैं ना जितनी ज़्यादा इधर उधर ट्राई करेंगे तभी वो दिस इज द बेस्ट इज टू फाइंड आउट रियली व्हाट यू वांट टू लव एंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. जितना जल्दी ये पता चल जाए कि भाई ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है उसमें फिर आप एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हो अलॉन्ग द जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे. Sooner the better. I would say that if you get an opportunity, you use four hands, two of the father and two of the mother to catch that opportunity. And I'm so happy that we made this decision to send him here.